बहुत जल्दी सिखा देती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, बहुत डांट पड़ जाएगी यार खोलते पे। हाँ तो मम्मी जल्दी जल्दी भेज दो तो मेरा हम से प्रेस तो करने दे। नहीं मम्मी यार बहुत लेट हो रहा है, मुझे रात नहीं खाना फर्स्ट डे है यार। अच्छा ठीक है, तूने लंच बॉक्स ले लिया? हाँ हाँ मम्मी। अच्छा सुन आई हूँ, जैसे रिक्शा में बैठना ना मुझे व्हाट्सअप कर देना। हाँ मम्मी यार मैं कर लूंगी, चिंता मत करो। और सुन, हाँ मम्मी मैं रोड क्रॉस करके ना यहाँ से रिक्शा पकड़ूंगी, जैसे ही पहुंचूंगी कॉल करूंगी आपको, फोटो भेज दूंगी रिक्शा की, ठीक है? चलो बाय। अच्छा सुन, लंच टाइम पे कर लेना, काम के चक्कर में भूल मत जाना। हाँ मम्मी आप मेरी इतना मत चिंता करो, आप खुद का ध्यान रखो ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपना खुद का ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। अभी एक साल से मम्मी मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, ये मैं कर लूंगी, आप रिलैक्स करो, बाय। हाँ कितना टाइम हो गया, ये लड़की को बोला था मुझे फोन करते रहना लेकिन नहीं, चलो मैं ही फोन करती हूँ। फोन नहीं उठा रही, फिर लगाती हूँ। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है, इसको बोला था मैंने मुझे फोन कर देना पहुंचते ही लेकिन नहीं, क्या करूं अब। इस लड़के को कितना बोला था मैंने, जाते जाते हजार बार बोला कि मुझे मैसेज कर देना, फोन कर देना लेकिन नहीं, क्या बताऊं अभी किसको फोन करूं, फोन भी नहीं उठा। मम्मा मैं नीचे खेलने जाऊं? क्या नीचे खेलने जाऊं, इसको मैंने बोला था ना जाते जाते कि मुझे फोन कर देना लेकिन नहीं, एक मैसेज भी नहीं कर सकती है। माँ वो बिजी होगी, काम रहता है ना ऑफिस में, कहाँ फोन कर पाई होगी। अरे इतना क्या बिजी होगी, एक मैसेज तो कर सकती है ना, 5 मिनट। हाँ ठीक है लेकिन मम्मा अभी मैं नीचे खेलने जाऊँ। जाओ आने दो आज इस लड़की को, इसकी खबर लेती हूँ। बताओ सुबह से शाम हो गई, ये लड़की ने एक बार भी फोन नहीं किया, ये नहीं सोचा कि उसकी माँ क्या सोच रही होगी। मामा मैं रेडी हो गई, मैं खेलने जा रही हूँ। हाँ बाबा जाओ लेकिन अंधेरा होने से पहले ही आ जाना, ठीक है? हाँ मामा डोंट वरी, मैं पहले ही आ जाऊंगी, बाय। ये बच्चे भी ना कितना परेशान करते हैं, जब माँ बनेंगे ना तब पता चलेगा फिकर क्या होती है। भैया जीहू चलोगे क्या? टेंशन ना लो, शॉर्टकट रास्ता है, हम आपको जल्दी पहुंचा देंगे। पहुंचने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। कितनी लेट हो गई, अभी तक इसका फोन नहीं आया। चलो मैं ही एक बार ट्राई करती हूँ। The number you have called is currently switched off. Switch off बता रहा है। पूरा दिन तो फोन नहीं उठाई, अभी switch off कर ली फोन। ये लड़की ना
आज मेरा बस एक ही सवाल है, आखिर कब तक रहेंगी हमारी बेटियां असुरक्षित? आए दिन दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं आयु भी तो नहीं, ऐसी मुसीबत में फंस गई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या करूं, किसको फोन करूं? मम्मी मैं आ गई नीचे खेल के। अरे तुम तो आ गई बट उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा, अब तक तो उठा नहीं रही थी, अभी फोन भी स्विच ऑफ हो गया। देखो टीवी में भी क्या दिखा रहा है, एक लड़की रिक्शे में बैठी और रिक्शे वाले ने उसको गलत रास्ते से ले गया, बाद में किडनैप हो गई वो लड़की। अरे मम्मा ये सब मत देखा करो, ये सब ना आपको डराते हैं, मम्मा आप मत देखो ये। तो क्या करूँ मैं, अभी तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, किसको फोन करूँ? अरे मम्मा चिंता मत करो, शायद से अपने कोवर्कर्स के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रही होगी, या तो शायद से बॉस ने मीटिंग के लिए होल्ड कर लिया होगा। सही बोला तूने, बॉस को फोन करती हूँ। नहीं मैं वो नहीं बोलती, मैं बता रही थी आपको कहाँ। हेलो मैं आयु की मम्मी बोल रही हूँ, आयु है क्या वहाँ पे? क्या निकल गई आयु? उसके बॉस तो बोल रहे हो कब का निकल गई, ये लड़की आई क्यों नहीं अभी तक? अरे मम्मा डोंट वरी, ट्रैफिक में फंस गई होगी तभी लेट हो रहा है। लेकिन क्या करूँ अब, किसको फोन करूँ? हाँ एक काम करती हूँ, उसके साथ जो काम करती है उसकी दोस्त ना, उस लड़की को फोन लगाती हूँ। अरे मम्मा इसकी कोई जरूरत नहीं है। लो आ गई आपकी बेटी, मैं बोल रही थी ना। आ गई तू, तेरा फोन क्यों बंद है? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, मैंने बोला था ना तुझे फोन पॉज नहीं कर देना मुझे। अरे मम्मा यहाँ पर रिक्शा वाले ने रॉन्ग टर्न ले लिया इसलिए लेट हो गया। एक मैसेज तो कर सकती थी ना तू। अरे यार मीटिंग चल रही थी, फोन साइलेंट पे रखा था और फिर रिक्शा में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। किसी और के दिल पे क्या बीतती है ना, जब माँ बनेगी तब पता चलेगा। अरे मम्मा यार मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज खाना दे दो यार। ये बच्चे भी ना, इनको फिक्र ही नहीं है कि माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही है। अच्छा मम्मा मम्मा आप कब तक आओगे? अरे जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आ जाऊंगी ना। ठीक है मम्मा, ध्यान से आना, हाँ ऑटो पकड़ लेना यहाँ से, यार रोड मत क्रॉस करना, एंड जैसे ही ऑटो पे बैठोगे मुझे कॉल कर देना और फोटो भेज देना। तूने कपड़ा पहना था ना, बहुत सही लग रहा था, कहाँ से लिया तूने? ओ लोखंडवाला मार्केट से। हाँ यार मैं भी लेती हूँ यार, हम लोग फिर दोनों ऑफिस में ट्रेनिंग करके आएंगे, मस्त लगेगा। हाँ अरे ब्रो हम तो 2 घंटे से बात कर रहे हैं यार। हाँ दीदी मम्मा को गए हुए 2 घंटे हो गए, अभी तक आई नहीं, मेरे को भूख भी लग रही है। अच्छा चल मैं तुझसे अभी बाद में बात करती हूँ, बाय। अच्छा फिर तू खा लेना। ठीक है मैं भी खा ही लेती हूँ यार। दीदी मेरे को ना खाना खा के मन करे कुछ डिजर्ट में खाने का, मम्मा को बोलो ना जब आएंगी ना तो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना, फोन कर दो ना। ठीक है। चॉकलेट वाली आइसक्रीम बोलना, और हाँ चुकू चिप्स के साथ छोटे छोटे वाले हैं, मैचिंग का ही सिर्फ, या तो वॉफल्स आइसक्रीम चॉकलेट। यार मम्मी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? लगते फोन नेटवर्क के बाहर होगा। कोई नहीं थोड़ी देर बाद कॉल कर देना। लेकिन दीदी मैसेज डाल दो ना आइसक्रीम मन्नू के लिए ला देना, समझ जाएंगी, व्हाट्सएप कर दो। नहीं कोई जरूरत नहीं, कॉल कर लूंगी थोड़ी देर में। ठीक है यार। दीदी कितना लेट हो गया, मम्मा अभी तक आई क्यों नहीं? यूजुअली तो जब बाहर जाती हूँ 2-3 घंटे में ही आ जाती है, अभी तक नहीं आई वो, उनका कॉल भी नहीं आया।
ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके देखती हूँ। उनको आइसक्रीम लाने को भी बोल देना। यार फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? लेकिन इतने देर से नेटवर्क उड़ गया होगा। वापस कॉल करके देखो ना दीदी। हाँ वापस करके। नहीं लग रहा यार। थोड़ी देर बाद और ट्राई करना शायद तब लग जाए। ये क्या टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं मम्मा? पहले तो ऐसे 50 मिस कॉल्स देंगी, आज एक भी मिस कॉल नहीं। और यहाँ तक अपना फोन भी। अनु अनु एक काम करते हैं, हम ना वो ऋचा आंटी को कॉल करते हैं, मम्मी उन्हीं के साथ गई होंगी तो उनको पता होगा मम्मी कहाँ है क्या है। उनका फोन नंबर तेरे पास है? हाँ एक बार मम्मी ने शेयर किया था कुछ। हाँ हाँ उनको कॉल कर, अभी के अभी कर, अगर रहेंगी तो अच्छा भी पता चल जाएगा कितना लेट हो जाए। हाँ भाई मुझे कॉल करने दे आंटी को। हाय आंटी। आंटी आप मम्मी के साथ हो क्या अभी? ओ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा आंटी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या बोला क्या बोला उन्होंने? यार आंटी तो दिल्ली गई हैं दो दिन से, तो उनके साथ तो नहीं है मम्मी के साथ। तो अम्मा अकेले कहीं बाहर गई हैं? यार उनको वापस ट्राई करें कॉल करने की। हाँ मम्मा को फोन ट्राई कर। The number you have called is currently switched off. Switched off दिखा रहा है यार। Switched off? मेरे को पता था। पता ना अपना फोन चार्ज ही रखती, बैटरी डेड हो गई होगी। हाँ ना मम्मी कितने लापरवाही, उनको अपना फोन चार्ज करना चाहिए, हमको कैसे पता होगी मम्मी कहाँ पे हैं अभी। हाँ एक काम कर पापा को फोन कर। हाँ हाँ पापा को कॉल करती हूँ मैं। हेलो पापा। पापा आपको मम्मी का कॉल आया था क्या? अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ अच्छा चलो पापा बाद में बात करती हूँ आपसे, बाय। यार पापा को भी मम्मी से कुछ कॉल नहीं आया, पता नहीं मम्मी कहाँ है किधर है कैसी है। या मम्मा के साथ उनको कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट हो गया होगा? तो फिर ऐसी चीजें मत बोलना पागल। मम्मी ठीक होंगी ना, मतलब फोन डेड है तो क्या हुआ, ये थोड़ी कि उनको कुछ हो गया है। वो तो कभी कभार फोन का चार्ज पूरा ड्रेन हो जाता है, मम्मी ज्यादा फोन यूज करती है उसके वजह से, उनको इतना यूज नहीं करना चाहिए, क्या पता कुछ हो गया हो तो। अरे लेकिन पॉसिबिलिटी तो आना यार, अभी तक क्यों नहीं आया यार, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। मम्मा को एटलीस्ट एक कॉल करना चाहिए, फोन भी चार्ज नहीं रखना था कुछ। अभी देखो बताती हूँ मैं। मम्मा क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे आ रहे हो? आपका फोन मिस स्विच ऑफ था, मार्केट गए तो आपके हाथ में कुछ लाए क्यों नहीं हो? अरे मम्मा कुछ बोलोगे भी आप? वही ना मामा, आपको एक तो फोन कर लेना चाहिए। मेरे को पता है आपका फोन डेड था ना, आपने मेरा फोन चार्ज नहीं किया था ना। मैं बोलती हूँ ना पोर्टेबल चार्जर ले लो, अच्छा है वो चार्ज रखेगा आपका फोन को। वही ना मम्मी, हम कितना घबरा गए थे, हमने किस किस को कॉल नहीं किया, पापा को कॉल किया, आंटी को कॉल किया, सबको कॉल कर दिया था हमने। अरे बाबा फोन नहीं लगा तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसको बोला था मैंने मुझे फोन कर देना पहुंचते, लेकिन नहीं। वही तो बेटा, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं इतनी फिकर करती हूँ ना। सॉरी मम्मा, आज मुझे समझ आया कि अपनों की फिकर क्या होती है। चलो तुम दोनों को ये रियलाइज हुआ ना, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। और वैसे ना मेरा फोन ना फुल चार्ज है, ये तो मैं तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया, ठीक है? अब आगे से ऐसी गलती मत करना, जब भी मम्मी का फोन आए तुरंत उठाने का और मम्मी को मैसेज करने का, बताते रहने का, ठीक है? मेरी ही तरह ना हर माँ अपने बच्चों की फिक्र इसी तरह करती है, इसीलिए कहते हैं ना कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए बच्चों जैसा बनना पड़ता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।